हम फंक्शंस के अंदर ना, यानी ये जो वैल्यू लिखी है, जरा एक्स और वाई को सिलेक्ट करना, एक्स और वाई को सिलेक्ट करें। ये ना हमें यहाँ पर आकर, ये इसी के लिए काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए काम करेगा जब भी आप चलाएंगे। देखिए, आप जरा कमांड विंडो के अंदर आएंगे, कमांड विंडो में आप यहाँ पर आए, कमांड विंडो में फिर दोबारा यही लिखें DF3, तो दोबारा यही टेबल बनेगा। करना जी DF3, और उसके बाद यही ब्रैकेट ब्रांचेस। हाँ जी, ये देखें दोबारा वही टेबल, फिर लिखें एक दफा, फिर लिखें DF3 और स्मॉल ब्रांचेस। इसका ना हमें, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक के लिए मखसूस हो गया। यानी अगर मैं इसके अंदर पॉइंट चेंज करना चाहूँ तो मुझे एडिटर खोलना पड़ता है। एक चीज तो ये, बस ना मैं यहाँ पे ना जो आपने सेलेक्ट किया है, दोबारा इसको जो है ना यहाँ पे डीसेलेक्ट करना, आप उसमें एडिटर में जाते और उसमें दूसरी वैल्यूज रखने, वाई को ही सिर्फ चेंज कर लें, वाई को ही चेंज कर लें यहाँ पर, वाई की जगह यहाँ हाँ 2 रख दें, कोई वैल्यू डिफरेंट रख दें, आप जो भी वैल्यू रखना चाहें। तो अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज दूसरी रख दें। ये ए लिखा है कि वैल्यूज लिखी, 2 लिखे जी आपने। हाँ जी, उसके बाद आगे 3 को चेंज कर दें, 3 को चेंज कर लें, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, माई इसको भी चेंज कर लें। हाँ जी, एक्स को भी चेंज कर लें, एक्स को भी। यानी जब भी हम 3 पॉइंट्स का लिखेंगे, हमें क्या कहते हैं, हमें एक्स और वाई को यहाँ आके चेंज करना पड़ता है, एडिटर की फाइल सेव कर देंगे, सेव कर दें। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर आपने चला के देखें कमांड विंडो में, अब ये टेबल जो है वो आपका चलेगा, लेकिन अब ये दूसरा लिख रहा है, अब लिखा है इसने दूसरा, फिर चलाएं, अब ये इसी के लिए मखसूस हो गया, फिर रन कर लें DF3, और उसके बाद करें जितनी मर्जी मतलब चलाएं, अब यही चलेगा सर। और अगर हमने चेंज करना है तो एडिटर में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो हमें एडिटर की फाइल को खोलना लाजमी है। यानी हम चाहते हैं कि एडिटर की फाइल ना खुले ना, और डायरेक्ट हम बाहर के बाहर ही चेंज कर लें। ये चीज को हम करने के लिए आज सीखेंगे, तो CLC करें जी इसे, CLC। अब एडिटर को जरा ओपन करना जी, एडिटर ओपन करें, और उसके अंदर ना ये जो एक्स और वाई का कॉलम है ना, इसे खत्म कर दें, यानी 3 अंदर से खत्म कर दें, यानी इनर से एडिटर फाइल को खत्म करके इसको देखना हम बाहर कैसे लिखते हैं। यानी पूरे कैंसिल करें सेमी कॉलम्स में, एक्स और वाई की वैल्यूज दोनों कैंसिल कर दें। हाँ जी, अब उसके बाद ना DF3 की स्मॉल ब्रैकेट में आए, स्मॉल ब्रैकेट के इनर आए, हाँ यहाँ, अब उसके अंदर यहाँ लिखें x, y, एक्स लिखें x, y। अब ये यहाँ पे ये है कि हम जो इससे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम x और y की वैल्यू ना आपको बाहर से देंगे, बाहर से मुराद होता है कमांड विंडो से देंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह एग्जाम के अंदर पेपर हो रहा हो, और पेपर के अंदर जो है वहां पर पेपर आपके पास हो रहा है, और पेपर में पेपर जब भी आता है वो बाहर से आता है, रूम के अंदर जो है ना वो जो जितने टीचर्स हैं वो बाहर से लेकर आते हैं। यानी आपके पास जो पेपर आ रहा होता है, वो क्वेश्चंस पेपर, वो बाहर से आ रहा होता है, चाहे वो कोई और दे रहा होता है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट दे रहा हो, चाहे वो टीचर्स जो हैं वो वहां पर दे रहे हो। सेम यहाँ पर ये है कि हम इसे एग्रीमेंट कर रहे हैं कि एक्स वाई जो सवाल होगा वो हम बाहर से देखेंगे। अगर हम जो है ना यहाँ पर ये एक्स और वाई इस तरह लिखते हैं, इसमें 3, 10, 15 भी हो सकते हैं, ये समझे एक्स पहला सवाल है, वाई सेकंड सवाल है, और वो उसको हल करने का तरीकेकार हमने ये लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर जो है 6 तक लिख, 9 तक लिखा हुआ, मैंने 11 शामिल नहीं किया। 11 में तो आंसर है, 11 में आंसर है, जबकि क्या कहते हैं लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 9 तक जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है वो उसका वो स्टूडेंट जवाब दे रहा है उन सवालों का जो एक्स वाई के ऊपर प्रोसेस हल होगा। तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसे सेव कर लें, पहले देखें अब हम किस तरह लिखते हैं, सेव करें जी इसको, मैं एडिटर को, एडिटर को सेव कर लें। एडिटर को सेव कर लेंगे, जब आपने एडिटर को सेव किया,
अब यहाँ पे ना कमांड विंडो में आए, ये तो कोड लिखा गया हमारे पास कि जी हम जब भी सवाल देंगे, क्वेश्चंस देंगे, वो उसकी ब्रैकेट में देंगे जो फंक्शन का नाम है। एक दफा फिर जाना जी एडिटर में, डी एफ थ्री जो है फंक्शन का नाम है, देखिए इसको हाईलाइट करें, डी एफ थ्री को। तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, ये फंक्शन का नाम है, इसके आगे जो है ना वो हम अगर देना चाहें कि जी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जी हम यहाँ पर आपको बाहर से सवाल देंगे तो वो एक्स कॉमा वाई होगा, और अगर हम चाहें कि नहीं स्टूडेंट अपनी मर्जी से कोई सवाल हल कर लें और उसके अंदर क्या कहती हैं वो अपनी मर्जी से सवाल बना ले, तो फिर कोड के अंदर लिख दें, फिर वो हर स्टूडेंट का सवाल जो उनसे है ना वो डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरह देते हैं जिस तरह आप लिखा हुआ है लाइन नंबर वन में, तो देखें क्या लिखते हैं। आप कमांड विंडो में आएंगे, कमांड विंडो में लिखें एक्स इजिकल टू, लिखें एक्स इजिकल टू फाइव, यानी तीन पॉइंट लिख दें, एक फाइव सेवन लिख दें, फाइव सिक्स सेवन स्क्वायर ब्रैकेट में इसके अंदर तीन पॉइंट्स लिख दें, क्योंकि तीन कमांड विंडो की कमांड लाइन में ब्रैकेट वो मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं जब भी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा जब भी पॉइंट, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर मानते ही कुछ नहीं। फाइव कॉमा चलिए ये लिख दें, थ्री लिख दें, थ्री और उसके बाद आपने फाइव सेवन, बट ठीक है, उसके बाद आप सेमी कॉलर कर दें, सेमी कॉलर। अब उसके बाद चाहे एंटर, यहाँ दो ऑप्शन है, चाहे एंटर प्रेस करके लिख लें वाई, या हम जो है इसके साथ ही लिख दें, लिखें जी यहाँ पे साथ लिखें, वाई इज इक्वल टू आगे उसके बाद माइनस वन कॉमा फोर, या कॉमे ना लगाएं स्पेस दे दें, दोनों बातें एक ही हैं, माइनस वन उसके बाद यहाँ फोर थ्री फोर थ्री और उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, चाहे आप एंटर। अब ये देखिए एक्स और वाई पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट को दिया जा रहा है, एंटर प्रेस कर, क्योंकि हमने सेमी कॉलन अपेंड किया है लिहाजा एक्स और वाई शो नहीं होंगे। लेकिन एक और बात सुने, वो देखिए वहां पर ना वर्क स्पेस में जाए, वर्क स्पेस में, वर्क स्पेस की विंडो में जाए, देखिए वो एक्स और वाई बन गए, इससे पहले ये नहीं बनते थे जब ये एडिटर में थे ना, वहां पर नहीं बन रहे थे। अच्छा आप यहाँ बन गए हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसके ऊपर कमांड विंडो में काम कर सकते हैं जब ये यहाँ पर बने तो। अच्छा आप यहाँ पर फिर दोबारा लिखें, ये इसकी फंक्शन की जो राइट साइड है उसकी कॉपी बनानी है, डी एफ थ्री और उसके बाद यहाँ पर इसमें अब एक्स और वाई भी आएंगे, याद रहे, यानी कि ये हमारे पास क्या कहते हैं पहले सिंगल ब्रैकेट आती थी, अब ये, अब हमने इसे ये कहा है डी एफ थ्री एक स्टूडेंट का नाम है या फंक्शन का नाम है या रूल का नाम है, उसको हमने ये कहा कि हमने जो रूल आपको सिखाए थे उसको ऑपरेट करना है एक्स और वाई मैट्रिक्स के ऊपर, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए इसने, और कमांड विंडो को जरा व्यू इसका बेहतर करें, मुकम्मल पहली लाइन भी नजर आए, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं वो, इसने बाहर से वैल्यू ली, यानी कमरा इम्तहान में स्टूडेंट डी एफ थ्री ने बाहर से हमने वैल्यू दी और उसको कहा ब्रैकेट में हम लिख कर दी कि ये वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। अब जो वैल्यूज है ना ये दो सवाल थे, वो मतलब कि एक्स और वाई दो आपके पास, इसको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं मैं अपना कंप्यूटर लैंग्वेज में, कि आर्गूमेंट्स उसके दो थे, यानी दो सवाल थे या दो पार्ट्स थे जिसको इसने हल किया। लेकिन क्या नाम है इसका, इसमें दस सवाल भी दिए जा सकते हैं, यानी कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू कॉमा एच कॉमा, फिर उसको उतने सवाल देने पड़ेंगे जिस पेपर के अंदर आपके पास जो है, एक पेपर में हो सकता है पांच पार्ट्स हो, तो फाइव पार्ट्स हो तो फाइव वेरिएबल देने पड़ेंगे, यहाँ सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं एक्स और वाई। अब फिर दोबारा यहाँ पे ना एक्स लिखें, एक्स इज इक्वल टू लिखें जरा एक्स इज इक्वल टू, फिर दोबारा तीन पॉइंट को इसे लिख दें वन थ्री फाइव, ये लिख दें वन थ्री फाइव, यानी एक्स के कॉलम में ये हमारे पास आए वन थ्री फाइव, हाँ चाहे कॉमे यूज कर लें चाहे आप क्या कहते हैं स्पेस यूज कर लें, और वर्क स्पेस सेमी कॉलन और एंटर प्रेस करें। अब दूसरा तरीका लिखने का, हॉरिजेंटल भी लिख सकते हैं वर्टिकल भी लिख सकते हैं, ये अब वाई लिखें यहाँ पर, और वहां चेंज भी हो गया है वर्क स्पेस में, वो भी देख लेना। अब वाई इज इक्वल टू आप जो है यहाँ पर जीरो जीरो और माइनस वन और टू लिख लें, टू
और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन, ये भी एक तरीका है, ऊपर वाला तरीका भी सही है ये। अब एंटर प्रेस करें, वो भी चेंज हो जाएगा, देखिए वर्कस्पेस में चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप DF3 जो स्टूडेंट का नाम है जिसको हमने ये पढ़ाया था कि आपको हमने तीन पॉइंट्स का सिखाया है, तीन पॉइंट्स का एक्स और वाई का कॉलम दें तो तीन पॉइंट्स के डिफरेंस टेबल बना दें। DF3 का मतलब ये सिर्फ एक ही चीज बना, देखें ये सवाल कर दिया इसने, यानी ये बेहतर है हमें। अगर ये देखें यहाँ पर आप सूरत हाल, अच्छा इसकी पिक्चर्स भी साथ साथ देते जाए, पिक्चर चले, अच्छा मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जी पिक्चर, या आप ही ले लें जी, इसके कमांड विंडो का ये कोड भी सामने हो और फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखा जाए, कोड भी सामने हो, कोड भी सामने रखें कोशिश। हाँ चलो अच्छा, इस तरह नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पिक्चर लें जी इसकी, पिक्चर ले लें। सर आप स्क्रीन शॉट ले लें, यहाँ पर लैपटॉप में लेना जरा मुश्किल है। अच्छा चले ठीक है, मैं ले लेता हूँ, छोड़ने दो यहाँ पर आप सिर्फ, ठीक है इसका व्यू आ गया मेरे पर। अब कोड को भी दिखा रहे, कोड भी दिखा रहे, कोड अब कोड की लेंगे हम, बस जी बस। उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा ये हमारे पास हो गया कि हम आर्गुमेंट्स के साथ काम कैसे करेंगे। अब इस तरह करें जी, हम एक मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक जरा देखें क्या है हमारे पास। DF3 एक स्टूडेंट्स का नाम है जिसको हमने कहा है कि आपको बाहर से वैल्यू दी जाएंगी, ये जिसको आपने हाईलाइट किया हुआ है आपका एडिटर, और इसको जो है इसको हमने कहा है कि DF3 को हमने ये कहा है कि जी आप स्टूडेंट का नाम है जिसको हमने एग्रीमेंट किया है, उसके जहन में ये बिठाया है कि हम आपको बाहर से सवाल देंगे, खुद नहीं करना, यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं। अब जरा एक मिस्टेक करते हैं हम उसके साथ, वो क्या करते हैं जो लाइन नंबर 3 है वहां दोबारा एक्स लिखें, एक्स इज इक्वल टू लिखें 1 2 3, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, और उसके बाद के ब्रैकेट सेमी कॉलन और वाई, वाई लिखे नीचे -1 और उसके बाद 2 -3। अब हम इसको ये कह रहे हैं जी कि आपने ये एक मिस्टेक की जी, हमने मैं बताता हूं इसमें मिस्टेक क्या है, सिर्फ अब एडिटर को पिक्चर मैंने लेनी है, लिहाजा इसका पूरा कोर्स सामने होना चाहिए, पूरा कोड जो है वो सामने कर लें। मैं बता दूं इसका मफहूम क्या है, कोड पूरा ये नीचे से, हाँ जी बस ठीक है। उसके बाद ना ये हमारे पास ये है, हम इसे कह क्या रहे और ये करेगा क्या, पहले CLC करें जी कमांड विंडो में आके, CLC हाँ जी। अब इसके अंदर ये लिखें एक्स इज इक्वल टू लिखें 5 6 7 5 6 7, हम इसे कह रहे थे और स्क्वायर ब्रैकेट और सेमी कॉलन, और उसके बाद आप जो है यहाँ पर चले और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिख लें, कोई सी भी 2 3 वैल्यूज दे दें, हाँ जी। आप उसके बाद एंटर प्रेस करें, और जब तक मैं वो नहीं कहूंगा आपको मजीद एंटर प्रेस करने को, आप एंटर ना प्रेस कीजिएगा, DF3 और उसके बाद यहाँ पर DF3 और यहाँ ये बिल्कुल इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने इससे ये कहा, ये एक मिनट अब एंटर प्रेस नहीं करना, हमने ये कहा था ये FX जहाँ कमांड विंडो है जरा इसे हाईलाइट करना, जहाँ पे FX है इस लाइन को, कमांड लाइन को, हाँ इसे हम कमांड लाइन कहते हैं, हाँ इसे हाईलाइट करना बस। इसके अंदर हमने ये कहा था कि जी आपको हम बाहर से वैल्यू देंगे, और हमने दी वैल्यू, पहली यानी पहली लाइन में X 5 6 7 है और दूसरी लाइन में 2 4 6 है। हमने कहा जी कि आपको यहाँ से वैल्यू देंगे और हम इसके अंदर आप उन वैल्यूज पे काम करेंगे, और उस स्टूडेंट्स का नाम DF3 है, और उस स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मशीन है, वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाता, हम उसे जो कहते हैं वही करता है। जब हम ब्रैकेट के अंदर जहाँ DF3 लिखा हुआ है X, Y लिख रहे हैं, तो हमने एग्रीमेंट किया था कि हम बाहर से वैल्यू देंगे,
और आप उस पर काम करेंगे। अब करें जी इसको एंटर प्रेस, एंटर प्रेस करें जी इसे। एक मिनट जी, ये कुछ कह रहा है कि जी आपने, हाँ ये देखिए ना, आपने असल में ये कर दिया था कि दोबारा लिखें जी, CLC करना पड़ेगा आप। हाँ ये एक एरो आ गया, कोई बात नहीं, एक मिनट है ना, इसको मैं जरा वो कर लूँ, क्योंकि ये मिस्टेक भी जो सी है ना वो भी हमें कॉपी करनी चाहिए। अच्छा जी आगे हमारे पास क्या कहते हैं ना, आप दोबारा से ये लिखना है, CLC करें जी, यही चीजें दोबारा लिख दें। नहीं GF3 नहीं, पहले X लिखें फिर Y लिखें, जैसे आपने पहले X लिखा था, X और Y, क्या हम उसे वो एग्रीमेंट तो पूरा करें ना, जिसके अंदर हम DF3 स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि पेपर आपका बाहर से आएगा, क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया हुआ उस ब्रैकेट में लिखा हुआ कि पेपर बाहर से आएगा। अगर इसके अंदर ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि पेपर इनर में आएगा, आप अपनी मर्जी से उस पेपर को हल करें, अपनी मर्जी से सवाल लिखें। अब यहां DF3 लिखो, देखिए जी एंटर प्रेस नहीं करना, हमारे पास क्या कहते हैं, हम कह रहे हैं कि जी XY का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स के साथ जिसका नाम DF3 है, कह रहे हैं कि हम दो सवाल देंगे, एक X एक Y, उनको आपने उनका डिफरेंस टेबल बनाएंगे आप, ये हमने एग्रीमेंट किया, और उसके पॉइंट्स हैं 5, 6, 7 X के और Y के हैं 2, 4, 6। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करें, देखें लेकिन इसने वो सवाल हल नहीं किया। गौर करें एक्स का पहला जो कॉलम है, जरा इसे हाईलाइट करना जी, एक्स का पहले कॉलम को, एक्स और वाई के कॉलम को ना इसके नहीं, ये नहीं, ये वाला नीचे जो है, नीचे जो है ना कमांड विंडो में, इसके गिर्द ब्रैकेट बना लेना ए के साथ, ए के साथ जी, ए के अंदर जो पहला कॉलम है ना उसको हाईलाइट करना है। हाँ इसको इसके गिर्द बॉक्स बनाए, पहले कॉलम के गिर्द बॉक्स बना लें। हाँ जी इसी तरह वाई के गिर्द बनाना। हाँ ये देखें ये दोनों बस आगे रहने दें, आगे तो वो डिफरेंस टेबल है, चूंकि डिस्कशन आज हमारी यही दो कॉलम है, तो हमारे पास ये है कि इसने ये कॉलम ऊपर उधर उसकी जो है वहां पे बॉक्स बनाए अपना एडिटर में एक्स और वाई पे, जो इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, इसको डी डी लाइ डी सिलेक्ट कर दें और वाई को भी बनाए। अब एक्स और वाई के गिर्द आप बनाए, हाँ जी इसी तरह आप एक्स, हाँ दोनों इकट्ठे बना लो, इकट्ठे बना लो, चलिए अच्छा ठीक है, बस ये हमारे पास हुआ, ये इसने इसको ऑपरेट किया। हमने तो इसे कहा था कि जी हम बाहर से देंगे, लेकिन यहां पे तो इसने दिया नहीं, जो ये कमांड विंडो में है ना उसे रेड लाइन से बॉक्स बनाए, कमांड विंडो में जो एक्स और वाई लिखे हुए, कमांड विंडो में जो एक्स और वाई लिखे हुए इनको रेड से बना दें, ऊपर ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले जो पहली लाइन में लिखे ना उसको रेड से बनाएं, इसे रहने दें। हाँ हमने तो इसको ये वैल्यू दी थी, ये वैल्यू हमने इसे दी थी, लेकिन इसने तो कोई और ही हल कर दिया, इसका मतलब क्या है? देखें क्या ये हमारा स्टूडेंट ऐसा है जिसको समझ ही नहीं आई हमारी बात, तो देखते हैं जी हमारे पास लॉजिक क्या है। हम एडिटर में जाते हैं, एडिटर में हमने इसे कहा कि डी फंक्शन आगे स्क्वायर ब्रैकेट DF3, यानी कि हमने इसको ये कहा कि जी आपने इसको जो है हम आपको बाहर से वैल्यू देंगे और उस पर आप काम करेंगे, लेकिन इनर में हमने उसे ये कह दिया कि नहीं जी हम जो है ना आप अपनी मर्जी से सवाल करें, जब आप एक्स और वाई अंदर देंगे ना तो वो उसको प्रेफर एक्स और वाई को इनर को देगा, आउटर को लिखेगा जरूर, यानी स्टूडेंट जो है आउटर को लिखता भी है समझता भी है, जिसका सबूत वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस के अंदर देखें, वर्क स्पेस में आपके पास क्या कहते हैं वहां पर वो एक्स और वाई देखें वो लिख रहा है जो हमने बाहर दिए थे 5, 6, 7, लेकिन क्या कहते हैं ये बाहर के हैं। अब लेकिन वो कर क्या रहा है, वो कर रहा है जनाब अली क्या कहते हैं उसके अंदर इनर वालों को, ये याद रखना कि जब हम बाहर से एक्स और वाई की वैल्यू देंगे वो काम जरूर करेगा,
लेकिन जैसे ही उसे इनर में अगर हमने रिप्लेस कर दिया, इनर में हमने उसको कहा कि नहीं जी आप अपनी मर्जी से पेपर कर लें, अपनी मर्जी से सवाल हल कर लें, जहां इनर से मुराद है कि लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 10 तक जो कोड लिखा हुआ है इनर में एडिटर में, वो मुराद है इससे कि ये कोड हमारे पास है, इसमें ये वैल्यूज अगर आप कहीं पर भी देंगे, जरा इसे हाईलाइट करना, लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 10 तक बॉक्स जहां चले यूं कर लें, हाँ कर लें, जरा सर्कल छोटा करें, यहाँ पर सिर्फ वही नजर आए, लाइन नंबर 2 से आपके पास ये कहते हैं 10 तक, चाहे बॉक्स बना लें, हाँ जी, इसके अंदर ये लिखते हैं, ये यहाँ पर आपके पास लिख रहे हैं, ये नहीं इसको छोटा करें बॉक्स को, बॉक्स नंबर 2 और लाइन नंबर, ये बॉक्स लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर को कवर करें, बाकियों को ना करें, क्योंकि बाकियों का नाम तो फंक्शन है, बाकियों का नाम तो फंक्शन है, लाइन, हाँ जी ठीक है, अब आपने लाइन नंबर 2 मिस कर दी, लाइन नंबर 2 से आप जिन से लाइन नंबर 10 तक कवर करना है बॉक्स को, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, जो ये कोड है, कोड का मतलब है कानून है, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक्चुअल में कानून पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास ये है कि आप इसकी अपनी इनर को प्रेफर करेगा, आउटर को नहीं प्रेफर करेगा, याद रखना कि अगर आपने दोनों जगह पे वैल्यू दे दी तो रिजल्ट जो काम करेगा वो इनर को करेगा, इसमें मैंने मैसेज ये दिया, और उसके बाद आउटर को निगलेक्ट कर देगा, ओवरराइड कर दिया, कर देगा जो इसने कर भी दिया, इसने लिखा भी एक्स और वाई, बाहर से पेपर लिया, स्टूडेंट से पेपर लिया, जैसा कई स्टूडेंट करते हैं, वो अपनी मर्जी से ही जनाब अली क्या कहते हैं सवाल हल कर रहे होते हैं, उसकी वजह क्या है कि वो अपनी मर्जी से सवाल बना रहे होते हैं, सेम यहाँ पे भी यही है कि एक्स और वाई पेपर तो लिया है लेकिन क्या किया उसका, उसके साथ अपनी मर्जी से अपनी सवाल कर दिया, जिसके कोई नंबर नहीं होंगे कोई फायदा ही नहीं है, तो लिहाजा ये एक पॉइंट था जिसको मैंने बताया कि वो इनर को फायदे में, इनर को प्रेफर करता है, लिहाजा हम इनर में नहीं लिखेंगे, अगर एक बाहर से भी देना पेपर फिर वो इनर से भी हमारे पास होगा, तो इसको अब हम दोबारा उधर आते हैं, इसे डिलीट कर दें, जो एक्स और वाई इनर में लिखा हुआ यानी लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 के साथ जो लिखा है उसको आप डिलीट कर दें, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 के साथ, हाँ जी बिल्कुल, अब दोबारा चलाते हैं जी हम इसको नीचे, अभी कमांड विंडो को क्लियर नहीं करना, हमने दोबारा इसे DF3 लिखे, अब एंटर प्रेस करें, देखना अब ये बाहर वाले के साथ काम करेगा, DF3 देखिए हम बाहर वाले लिए इसने एक्स और वाई, क्योंकि हमने इसको ये कहा था कि जी आपको इनर नहीं दिया हमने इसे, इनर वैल्यू अगर देंगे तो प्रेफर उसको कर जाएगा, अब यहाँ पे इसने काम जो किया वो आउटर के साथ यानी बाहर वाले पेपर के साथ काम किया, अपनी मर्जी से सवाल नहीं बनाया, लिहाजा ये याद रखना कि अगर कोई स्टूडेंट दोनों जगह लिख देता है तो इट मींस कि वो इनर के साथ काम करेगा, आउटर के साथ काम नहीं करेगा, यानी कि इनर के साथ जैसे ही उसे इनर मिलेंगे वो इनर के साथ काम शुरू कर देगा, जैसे ही इनर मिलेंगे, ये मैं बात आपको जो है यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद जी अब ये पॉइंट भी मेरा खत्म हुआ, अब आते हैं CLC कहते हैं, ये आप 10 पॉइंट के साथ भी काम कर सकते हैं, आप इसके साथ क्या कहते हैं यहाँ पर, एक मुझे मैं पिक्चर ले लूँ, चलो अच्छा कोई बात नहीं हो गया, वो यहाँ पे ना सी, अब हम इसका करते हैं एक, ये करते हैं जी हमारे पास, हाँ चले अच्छा अब यहाँ पे कर लिया ठीक है, अब तो इसने वही काम करना है ना, असल में चले ना सर अब, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो मुझसे ही मैं अगर कह देता तो आप कर देते, आप इस तरह करें जी यहाँ पर ना आप इसको एडिटर को करें, वहां पर एडिटर का कोड सामने रखें, अब एक और पॉइंट हम डिस्कस करें, याद रखना कि ये पॉइंट्स हैं और वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये वाइवा में पूछे जाएंगे कि अगर आप जो है, फिर दोबारा रिवाइज करता हूँ मैं अपने पॉइंट्स के जी, फंक्शंस के अंदर फंक्शन नेम DF3 लिखना जी, जरा इसे हाईलाइट करना DF3, चाहे बॉक्स बना लें इसको, इसके साथ बॉक्स में, हाँ चलो यूं
डी एफ थ्री के साथ अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि क्वेश्चन बाहर से आएगा। अब उसके अंदर ना आप एक भी लिख सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन बना दें, दो बना दें, दस बना दें, यानी एक्स वाई डी डब्ल्यू आर पी क्यू आर जो मर्जी ब्रैकेट के अंदर लिखें, लेकिन शर्त वही होगी कि अगर आपने जो है वहां पर इसको कहा कि सवाल दो दिए जाएंगे तो ही आपको देनी पड़ेगी। जरा हम एक और मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है, सी एल सी करें जी कमांड विंडो में, कमांड विंडो में सी एल सी करें, और मैं जब तक पिक्चर ना ले लूं आपने जैसे उसको नहीं करना। अब एक्स लिखें, एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ एक्स लिखना है, वाई नहीं लिखना इसमें, और इसके अंदर पॉइंट लिख लें, वन टू थ्री। जब अगर ये खत्म हो जाए ना, टाइम जरा खत्म होने वाला है, तो अगर खत्म हो जाए तो आपने मुझे फोन करना है, सेमी कॉलन कर देंगे, सेमी कॉलन इधर कमांड विंडो में, ये कमांड लाइन पर एंटर प्रेस करें। अब देखिए मैंने मिस्टेक और कर दी, क्या मिस्टेक की कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसे डी डी सिलेक्ट करें जो आपका एडिटर में लिखा हुआ है, ताकि वो वाजे तौर पर नजर आ सके। हाँ जी, अब उसके बाद ना यहाँ पर आप डी एफ थ्री लिखें दोबारा, एक्स कॉमा वाई, डी एफ थ्री लिखें यहाँ पे एक्स कॉमा वाई। हाँ जी, अब इसके अंदर देखें मैं इसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को जिसका नाम डी एफ थ्री है, जो एक मशीन है जिसके पास कोई भी जो है ना दिमाग नहीं है, उसको मैंने ये कहा कि डी एफ थ्री आपका नाम है स्टूडेंट का, ये रोल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, कि जी हम आपको दो सवाल देंगे, एक का नाम एक्स होगा दूसरा वाई। लेकिन मैं अपने एग्रीमेंट से किसी भी तरह फिर जाता हूँ, या मैं भूल जाता हूँ, मैंने एक्स और वाई उसको कहा था स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने उसको एक और वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे इसको जो है ना, यहाँ पे इस तरह करें कि आप इसको एंटर प्रेस करें जी, एंटर प्रेस करें वर्क स्पेस में एक इधर से, वाई की वैल्यू, हाँ वाई की वैल्यू नहीं वो, हाँ है वाई की, वर्क स्पेस से खत्म करें जी, फिर से डिलीट करें, क्योंकि ये यहाँ से ले लेगा अपनी मेमोरी में से, इसको डिलीट कर लें, राइट क्लिक करें ना इसके ऊपर, राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें, क्योंकि वर्क स्पेस से भी ये ले लेता है वही, क्योंकि इसका ब्रेन है। अब इसको एंटर प्रेस करें, देखना अब ये हमारे पास क्या करें, सर ये हो गया। ये देखें अब ये कह क्या रहा, ये तो कह रहा है कि जी आपने फंक्शन यानी अनडिफाइंड, ये लफ्ज अनडिफाइंड करेगा अगर आपने, और देखो ये कह रहा है कि वाई नहीं है मेरे पास, ये यानी मैंने बताया ना कि इसको पूरा जो एग्रीमेंट नहीं मिलेगा ये चलेगा ही नहीं, चाहे मैं वाई मिसिंग कर दूं, यानी कि ऊपर जो मैंने लिखा है पहली लाइन में कमांड विंडो में वो हमारे पे एक्स लिखा है, अगर मैं चाहूं तो सिर्फ वाई लिख देता। अब देखिए मैं करता क्या हूं, यही सवाल अब इसके अंदर वाई लिखते हैं, लिखें ये एक्स और वाई दोबारा लिखे यहीं पर, सी एल सी नहीं करना, एक्स और उसके बाद यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू आगे आप लिखें इसके अंदर वन टू थ्री, हालांकि ये वर्क स्पेस से भी ले सकता था क्योंकि वर्क स्पेस में ये मौजूद है उसकी मेमोरी में, याद रखना कि जब तक मेमोरी में मौजूद है ये वहां से पिक करता रहेगा ये स्टूडेंट, क्योंकि एक्चुअल हम मेमोरी में ही इसको पहले रखते हैं। तीन पॉइंट्स ले लें, हाँ जी, और सेमी कॉलन, उसके बाद एंटर प्रेस करें, ये अब उसके बाद डी एफ थ्री एक्स कॉमा वाई लिखें, हाँ जी ठीक है। अब उसके बाद देखना अब नहीं मिस्टेक करेगा, करें जी इसको आप जो है यहाँ पर, हाँ आप देखिए आप इसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसकी वजह क्या है, साफ सी बात है
जो मैंने स्टूडेंट DF3 है उससे मैंने, जो कि एक डंप है यानी एक मशीन है, एक जन सा है, उसको नाम के पास अकल नहीं है, उसको मैंने सिर्फ एक ही बात समझाई थी कि जी आप जन सा है क्या कहते हैं यहाँ पर, कि आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब वो दो ही का इंतजार कर रहा, अगर मैंने तीन कर दिए तब वो परेशान हो जाएगा, और अगर मैंने दो का वादा किया और एक कर दिया तब परेशान हो जाएगा, और अगर मैंने इसको कुछ भी ना दिया। यहाँ पर आप इस तरह करें कि आप लिखें जी DF3 और स्मॉल ब्रैकेट बिगेंस एंड क्लोज करें जी इसे। अब इसमें एक्स और वाई नहीं लिखना, आप इसे चलाएं रन, देखो ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है इनपुट आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स का मतलब क्वेश्चन, कि आपको जो इनसे है ना यहाँ पर तो क्वेश्चन मुझे पूरे दिए ही नहीं, यानी जिस चीज का एग्रीमेंट हम एडिट करेंगे। लाइन नंबर वन को हाईलाइट करना जी, लाइन नंबर वन की राइट साइड को, लाइन नंबर वन की, हाँ ये इसका जिसका भी हम यहाँ पे एग्रीमेंट करेंगे वो क्या करेगा, वो उसी एग्रीमेंट पे कायम रहेगा। अगर हमने इसे कहा कि हम ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल आपको देंगे, दो सवाल देंगे जिसको आपने प्रोसेस करने हैं, तो वो दो का ही इंतजार करेगा, न कम ना ज्यादा। इसको हम कहते हैं कि ये आर्गुमेंट्स लिखे जाए, ना लिखेंगे तभी वो देगा, एरर देगा। और अगर लिख दें, हालांकि ये DF3 हमने इससे पहले कई दफा चलाया, क्योंकि पहले इसलिए चलता रहा कि हम वहां पे क्या, हमने एग्रीमेंट दिया था कि हम कुछ नहीं देंगे, सवाल अपनी मर्जी से कर लेना। पहले यही DF3 था, नीचे आना कमांड विंडो पर और इसे हाईलाइट करना, डीए जो उससे ऊपर लिखा हुआ DF3। हाँ ये तो हमने बहुत दफा चलाया चला है, लेकिन अब नहीं चला, क्योंकि अब हमने इसको सेव किया है इस एग्रीमेंट के साथ जो हमने एडिटर में किया था, कि X, Y दो सवाल आपको देंगे और उसको आपने प्रोसेस करना है, और वो प्रोसेस करने का तरीका हम आपको इसके फंक्शंस के अंदर बॉडी में बताएंगे। तो यहाँ पे तो ये सूरत हाल हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके अंदर ये सूरत हाल हुई कि इसने कहा जी नहीं, आपने मुझसे एग्रीमेंट किया था कि दो सवाल जरूर देंगे और मैं वेट कर रहा हूँ दो सवाल का, दो से तीन नहीं देंगे और दो से एक नहीं देंगे और दो से जीरो नहीं देंगे, कि कोई पार्ट ही ना दें। तो लिहाजा इसके अंदर इस बात की क्लियर करनी है कि जो आर्गूमेंट्स हम उसको ब्रैकेट में देंगे, उस आर्गुमेंट्स को हमने प्रोसेस करने के लिए करना है, और उसको इनर भी करना है, इनर से मुराद है कि एडिटर के अंदर, यानी हमने वहां भी करना है, यानी लाइन नंबर टू से लेके एडिटर में लाइन नंबर नाइन तक हमने इसको प्रोसेस करना है, ये हम एग्रीमेंट करते हैं। दूसरा एग्रीमेंट हमारे पास ये है कि हम इसको जो है यहाँ पर ये करेंगे कि इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, यानी एग्रीमेंट हमने इसको ये दे दिया, और दूसरा हमारे पास ये है कि हम इसको दो सवाल देंगे, ना एक कम ना ज्यादा, ये बात मुकम्मल हो गई। अब एक और काम करते हैं, जरा देखना, ये भी एक सवाल है हमारे पास, इसकी पिक्चर मैंने ले ली है, आप इस तरह करें जी, इसको दोबारा जैसा है CLC करें। अब इस तरह है जी, ये कोड ना आपने दोबारा लिख लेना, लाइन नंबर टू से लेके ना सॉरी लाइन नंबर टू से लेकर आप जो है लाइन नंबर 11 तक, यानी सारा इसका कॉपी कट कर लें, कट करने से यानी कुछ नहीं लिखना हमने इसके अंदर, यानी कुछ भी नहीं लिखा हाल। और आप इसे कट करके अगर कहीं रख सकते हैं आप नोट पैड में, तो रख लें ताकि दोबारा जरूरत पेश आए तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें, यानी कोड बिल्कुल खत्म कर दिया मैंने। अब इसको नोट पैड में रख लें, ये नोट पैड एक ऐसी जगह है जो जबरदस्त है, कि हमें क्या कहते हैं कई दफा वो ऐसा लेना पड़ता है डाटा जो अनप्रोसेस हो, और सेव कर लें इसे, दोबारा जरूरत पेश आएगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। इसका कोई नाम रख लें, अब आते हैं जी इसको हम दोबारा अपनी कोड की तरफ, जरा देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, लाइन नंबर वन में क्या कह रहे हैं, लाइन नंबर टू में क्या कह रहे हैं, और लाइन नंबर थ्री में क्या कह रहे हैं। लाइन नंबर वन में हम ये कह रहे हैं फंक्शन, फंक्शन का मतलब है कि हम कोई कानून बताएंगे, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरह वहां पे समझना है। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि उसका आगे स्केप ब्रैकेट है, उसको अभी डिस्कस नहीं किया हमने, आगे लिख रहे हैं कि DF3 उसका नाम है, और DF3 एक स्टूडेंट का नाम है, जिससे हम ये बात कह रहे हैं
एक्स और वाई, क्योंकि अब हमने इसकी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक्स और वाई दिए हैं कि हम आपको दो सवाल देंगे और उसको प्रोसेस करना है किस कानून के तहत जो फंक्शन और एंड के दरमियान होगा। यानी आप फंक्शन और एंड को सर्कल करना, फंक्शन और एंड को बॉक्स बना दें, सिर्फ फंक्शन के वर्ड को और एंड के, फंक्शन